नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता चैनल इंडिया लाइव। आइए डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर एक नजर। मलयालमी अभिनेत्री रेखा मोहन मृत मिली, केरल से खबर आई है। लोकप्रिय फिल्म और टीवी अभिनेत्री रेखा मोहन शनिवार को त्रिशूर के पास अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। अब खबर नई दिल्ली से है, घर में हैट्रिक का मकसद को लेकर कोलकाता से भिड़ेगा दिल्ली। हीरो इंडियन सुपर लीग आईएसएल के तीसरे सीजन में टॉप पर चल रहे दिल्ली डायनामोज को रविवार को पहले सीजन के विजेता एटलेटिको दे कोलकाता से भिड़ना है। अब खबर न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क मॉल गोलीबारी में दो गिरफ्तार। यहां एक मॉल के पास गोलीबारी के सिलसिले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब खबर फिल्म जगत से है, मीना कुमारी इंदिरा गांधी की भूमिका निभाना चाहती हैं विद्या बालन। अभिनेत्री विद्या बालन का कहना है कि वह दिवंगत अभिनेत्री मीना कुमारी पूर्व इंदिरा गांधी और संगीत गायन क्षेत्र की मशहूर हस्ती एमएस सुब्रक्ष्मी पर आधारित भूमिका निभाना चाहती हैं। बात मौसम की करते हैं तो दिल्ली में रविवार सुबह आसमान साफ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार सुबह आसमान साफ रहा। यहां न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री अधिक 14.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब खबर बिहार के पटना से, महीना भर चलता है विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला। बिहार में गंगा और गंडक नदी के संगम पर ऐतिहासिक, धार्मिक और पौराणिक महत्व वाला सोनपुर मेला 1 महीना चलता है विश्व प्रसिद्ध। यह मेला शनिवार से शुरू हुआ। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला और छत्तर मेला के नाम से जाना जाता है। अब खबर भोपाल मौसम की है, अब मौसम में बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सर्द हवाओं ने बढ़ाई ठंड। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल सहित राज्य के अन्य हिस्सों में रविवार को चल रही सर्द हवाओं ने ठंड बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ने तथा हल्की धुंध छाने की संभावना जताई है। इटली में नकाब हटाने से इनकार करने वाली महिला पर जुर्माना हुआ। इटली में सैन लिटो वल तगलियामेंटो में अल्वानियाई मूल की एक मुस्लिम महिला के नकाब हटाने से इनकार करने पर उसके खिलाफ 30,000 यूरो का जुर्माना कर दिया। खबर मास्को से है, रूस की संघीय सुरक्षा सेवा है FSB ने शनिवार को आतंकवादियों के एक समूह को हिरासत में ले लिया है जो ISI से जुड़े बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान में सूफी नूरानी की दरगाह पर विस्फोट हुआ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सूफी शाह नूरानी की दरगाह में शनिवार को हुए विस्फोट में 43 लोगों की मौत हो गई और लगभग 100 लोग घायल हो गए। आज रविवार है, बैंक कर्मी सभी परेशान हैं क्योंकि छुट्टी के दिन भी उनको छुट्टी नहीं मिल पाई है क्योंकि वो काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1,000 रुपए के नोटों को अवैध घोषित करने के बाद सिर्फ आम जनता ही नहीं, छुट्टी के दिन कार्यावधि से ज्यादा समय तक सेवा दे रहे बैंक कर्मी भी परेशान है। अब तक के मुख्य समाचारों में बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल इंडिया लाइव। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।